मैं आज आपको बस एक खाली ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आप लोगों आप को मशीन्स क्या है और मशीन को डिफाइन कैसे कराया जाता है वो सब हम लोग पिक्चर वगैरह में काफी डेफिनेशन सुन चुके हैं तो हम डेफिनेशन नहीं पढ़ते कि मशीन क्या होती हैं हमें यहां पर जो मतलब है दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन और ट्रांसफॉर्मर्स इन सबसे हमारा मतलब है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन इसके लिए क्या है एक ऐसी मशीन है जो गोल गोल घूम रही है और यहां पर हमारा जो लेना देना है वो खाली ऐसी मशीन से है आर आइदर जनरेटर्स और मोटर्स जनरेटर्स और मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्मर्स इज सेपरेट ब्रांच वो आ, इस कोर्स के फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स आएंगे वो थोड़ा सा अलग सेक्शन है बट बेसिकली आपको मोटर्स या जनरेटर्स के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है जनरेटर क्या होते हैं जनरेटर और मोटर दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर तरह के डिवाइस होते हैं जिसके अंदर आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी देते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल जाती है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स मशीन्स ऐसी मशीन्स जो रोटेट कर रही हैं गोल गोल घूम रही हैं रोटेशन एवरीबडी नोज दैट जनरेटर्स क्या होते हैं जनरेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं बिजली सॉरी उल्टा कौन सी एनर्जी देते हैं मैकेनिकल एनर्जी देते हैं जनरेटर्स के बारे में सब लोग जानते हैं जो घर घरेलू घर के जो डी, डीजल जनरेटर सेट्स होते हैं उसमें इंजन लगा होता है जो फोर सिलेंडर इंजन एक सिंगल सिलेंडर इंजन उसके अंदर लगा होता है फोर फोर स्ट्रोक साइकिल वाला इंजन पेट्रोल इंजन डीजल इंजन उसके अंदर लगा होता है उसमें जब आप करते हैं तो डीजल इंजन में इसके लिए क्या करता है गोल गोल घुमाता है रोटरी मोशन देता है दैट्स ऑल उसका पर्पज खाली है रोटरी मोशन दे रहा तो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है और वो इस जनरेटर को घुमा रहा है गोल गोल घुमा रहा है तो मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी उसके अंदर दी जा रही है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको बाहर मिल रही है मोटर के अंदर उल्टा होता है मोटर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मोटर को आप बिजली के सप्लाई से जोड़ देते हैं बिजली की सप्लाई से पंखे हैं इनको आपने बिजली की सप्लाई जोड़ दिया स्विच ऑन कर दिया बिजली के इसके अंदर पहुंच गई उसकी वजह से क्या मिला आपको मैकेनिकल एनर्जी मोशन मिलना शुरू हो गया तो सारी जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन वाला जितना पार्ट है वो सारा सारा खाली इसी चीज पर है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप उसके एक पार्ट को गोल गोल घुमाइए गोल गोल घुमाइए रोटर को रोटर और स्टेटर में क्या फर्क हो सकता है

किसी भी तरीके से अगर गोल गोल घुमा रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें बिजली बननी शुरू हो जाती है हाउ इज इट पॉसिबल कैसे ये वाला काम करेंगे कौन कौन से वो काम आपको करने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से अगर आप एक रोटर को गोल गोल घुमाना शुरू कर दीजिए तो उसमें बिजली की सप्लाई बननी शुरू हो जाएगी ये आप कैसे करेंगे और ये सारा पूरा प्रोसेस करने में कौन कौन से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं इक्वेशंस क्या हैं आउटपुट कैसे निकालेंगे ये वाले सारे इसके प्रॉब्लम्स बेसिकली ये होती है मोटर के अंदर इसके लिए क्या है कि अगर आपने किसी ऐसी मशीन के अंदर बिजली की सप्लाई दे दी तो उसकी वजह से मशीन गोल गोल घूमना शुरू कर देगी कैसे करेंगे एसी मशीन्स डी सी मशीन्स मशीन लिखने का तरीका यह होता है एम ऑब्लिक सी एम ऑब्लिक स्मॉल सी कई बार इस तरह लिखते हैं तो डीसी मशीन और एसी मशीन इन दोनों के अंदर जनरेटर्स भी होते हैं और मोटर्स भी होते हैं और उनका classification, classification क्या है वो सब चीजें धीरे धीरे सब आराम से पढ़ते रहेंगे लेकिन आपको इस पॉइंट पर आज की क्लास के एंड तक आपको ये वाली चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हम इसके अंदर क्या पढ़ना चाह रहे हैं तो डीसी मशीन एसी मशीन जनरेटर्स और मोटर्स और चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो उन दोनों के दो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं स्टेटर और रोटर चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो दोनों के दो पार्ट्स होते हैं इस में, ये तो डीसी है, है। तो जनरेटर पढ़ने और डीसी मोटर्स पढ़ने कितने तरह के होते हैं कैसे कैसे वर्क करते हैं टिपिकली स्पीकिंग डीसी मशीन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो डीसी मशीन डीसी मशीन आर सेपरेटली एक्साइडेड और सेल्फ एक्साइडेड सेल्फ एक्साइडेड के अंदर होता है सीरीज शंट कंपाउंड कंपाउंड के अंदर होता है शॉर्ट शंट

शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर और इस तरह से लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर इस तरह से ये सारे सारे होते हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना है कि कैसे वर्क करते हैं ये सारा का सारा बेसिकली बेस करता है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे विच आई एम श्योर कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रखा है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है और आई एम ऑल्सो श्योर कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको लोगों अभी तक याद होंगी कोई कोई ऐसा लड़का जिसको याद हो फेरेडिस लॉज हाँ जस्ट यस ये दिस इज क्वेट इंप्रेसिव वाकई बहुत अच्छी बात है कि ये वाली चीज को अगर इस तरह से आप याद कर लेते हैं तो वाकई आपको बहुत काम में आने वाला है बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेज आपको याद होना जरूरी है तो हमारा यहां पर लेकिन अब मेरे को यहां पर आप लोगों को समझाना है तो आई वॉन्ट स्टिक टू दिस ऑफिशियल डेफिनेशन मैं ये वाली चीज आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि दिस इज रिगार्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया वट इज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और पर यूनिट एरिया क्या होता है मतलब वाई पर पर यूनिट एरिया मतलब पर यूनिट एरिया मतलब हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑल लाइंस ऑफ फोर्स क्यों व्हाट व्हाट द फोर्स फोर्स क्या होता है और लाइंस क्या होती है सी प्रॉब्लम इज दिस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में प्रॉब्लम क्या आती है क्या वैसे सलून रखा है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस सब लोगों ने पढ़ रखी है कैपेसिटेंस क्या होती है व्हाट इज कैपेसिटेंस चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करती है ये प्रॉपर्टी है कॉइल नहीं होती लेकिन कॉइल इंडक्टेंस होती है कैपेसिटेंस कॉइल नहीं होती कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी है ये इतना तक ठीक है कि कैपेसिटेंस चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करती है i cdv/t e, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है रेजिस्टेंस में वी इज टू तो आई आर कैपेसिटेंस के, के लिए करंट करंट वोल्टेज में चार्ज और वोल्टेज में नहीं आई इज टू सी डी बी डी और इंडक्टेंस में वी इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी ठीक है तो कैपेसिटेंस में आई इजल टू सी डी अपॉन डी टी ये होता है डिफ्रेंसिएशन मुझे आप लोगों के बारे में पता नहीं है लेकिन नॉर्मली मैंने चीज देखी हुई है कि कई लोग थर्ड ईयर भी पास कर जाते हैं उनको का मतलब समझ नहीं आता है क्या वो रट लेंगे सारा सब, सब उनको समझ में है कि हम ये सब समझ में आता है कि समझेंसिएशन कैसे निकाला जाता है कैसे डिफ्रेंसिएट करते हैं इंटीग्रेट करते हैं सब समझ में आता है लेकिन क्या है डिफ्रेंसिएशन ये समझ में नहीं आ पाता क्यों कर, कर रहे हैं उसी तरह से ये वाली चीज भी क्लियर नहीं हो पाती है फ्लक्स जहां भी पूछा जाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया बता देंगे बहुत अच्छी बात है लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है गड़ गड़ जाती है तो कुछ बेसिक चीजें से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि मैग्नेटिक ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है और क्यों आप ये वाला काम करते हैं जैसे और ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया की हम बात क्यों कर रहे हैं किस लिए इसकी जरूरत ही क्या पड़ रही है ये सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेस पे सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हैं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है डिस्टेंस आपको नापना है डिस्टेंस डिस्टेंस कैसे नापेंगे किस चीज से नापेंगे स्केल से ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्केल से नाप लेंगे वो इंच टेप जो होता है वो ले आएंगे उससे आप नाप सकते हैं बड़े आराम से नाप सकते हैं और स्पीड नापनी स्पीड कैसे नापेंगे टैगोमीटर होता है वो लगा दिया उससे आरपीएम नाप लिया या स्पीडोमीटर लगा दिया उससे स्पीड नाप लिया इस तरह की बहुत बहुत सी चीजें हो जाती हैं मैग्नेट मैग्नेट्स जो होते हैं वो कुछ मैगनेट स्ट्रॉग होते हैं कुछ मैग्नेट्स वीक होते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स क्या होते हैं वो बड़े दूर से आयरन फाइलिंग्स आयरन फाइलिंग्स सब लोग जानते हैं फिटिंग शॉप में जो आपने घिस घिस जितनी जो फाइलिंग्स निकाली आयरन फाइलिंग्स तो कुछ मैग्नेट जो स्ट्रॉग होते हैं वो दूर से आयरन फाइलिंग्स को खींच लेते हैं कुछ वीक होते हैं उनके बहुत पास में ले जाएंगे तभी खींच पाएंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है कि वीक मैग्नेट है ये नापने का तरीका क्या है कैसे नापोगे कौन सा मीटर लगाओगे कैसा नापा नापने कोई तरीका नहीं है सीधा प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है मैग्नेट में, में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे आप लोग नाप सकें ये आपको समझ में आ ही नहीं सकता कि क्या है इसके अंदर तो कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है कोई भी चीज नापने लायक नहीं है तो आपने इसके लिए क्या करा कि उसके चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स स्प्रे कर दी बिखरा दी स्प्रे नहीं कर दी बिखरा दी तो आपने ये वाली चीज देखी कि वो आयरन फाइलिंग्स जो होती है वो एक पर्टिकुलर शेप में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और परो शेप कैसी होती है मान लीजिए ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल तो एक पर्टिकुलर शेप होती है आयरन फालिंग्स अपने आप को इस शेप में अलाइन कर लेते हैं मैं आधी आधी साइड ही दिखा रहा हूं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उसके अंदर ऐसा होगा जो वीक मैग्नेट होगा उसके अंदर मैं एक ही मैग्नेट को नोटिस दिखा रहा हूं जिससे कंपैरिजन दिख जाए एक्चुअली दो अलग-अलग मैग्नेट है इधर वाला स्ट्रांग मैग्नेट है इधर वाला वीक मैग्नेट है ये स्ट्रांग है ये वीक है दी मैग्नेट के अंदर लाइंस लाएं, इस तरह की आएंगी ये स्ट्रांग मैग्नेट है तो एज यू कैन सी कि स्ट्रांग मैग्नेट जो होता है उसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्सेस पास-पास हैं लाइंस ऑफ फोर्स जो है सारी पास-पास है बहुत डेंसली पैक्ड है तो वो इसका मतलब उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन जो 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 है जो, uh, वाली जो है वाली फील्ड वो बहुत दूर से खींच सकता है और ये जो है, ये जो से स्टार्ट होती है? इसकी तक? तक चाहे वीक हो चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, 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 हो कोई लाइंस कहां तक जाने वाली है इंफिनिटी, correct, इंफिनिटी वो एक आंसर चाहिए होता है इंफिनिटी आइडियली स्पीकिंग स्पीकिंग ये ये जो लाइंस हैं इसके सरफेस से लेके इफिनिटी तक एग्जिस्ट कर रही हैं इसका मतलब इसके जो फील्ड है वो एक्चुअली इंफिनिटी तक एग्जिस्ट कर रही है किसी भी मैग्नेट की लेकिन बात क्या है कि जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे ये इनका डिस्टेंस बढ़ता जा, जाता है और जितना इनके अंदर डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतनी इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम कमजोर होती जाएगी उतना इनके अंदर खींचने की क्षमता कम होती जाएगी खींचने की जो कैपेसिटी है दैट कीप्स ऑन कम होता जाएगा

अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स का रोल हमारे लिए क्या है फेरेडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइकल फेरडे जिसने ये वाली लॉज दी है उसकी प्रॉब्लम क्या चल रही थी वो बहुत टाइम से इस तरह के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था वाज टू मेक अ जनरेटर उसके पहले बैटरी से चला करती थी खाली बैटरी से अपना वो सप्लाई लिया करते थे तो कॉयल एक कॉल रखी हुई जानते हैं कॉयल क्या होती है कॉल में और वाइंडिंग में फर्क क्या होता है बाद में बताएंगे फिलहाल कॉल समझ लीजिए कॉल भी इसके लिए क्या है आपने जो नॉर्मल इंसुलेटेड वायर होता है जिससे वाइंडिंग करी जाती है राइट वाला तार आपने लिया उससे कई सारे टर्न चक्कर कुछ सारे टर्न लगा दिए और उसके दोनों सिरे निकाल दिए दैट्स दैट्स ऑल अ बस तो इंसुलेटेड वायर आपने लिया कई सारे टर्न लगा कर छोड़ दिए और ये एजेस उसने छील दी एजेस के ऊपर जो इंसुलेशन था वो इंसुलेशन आपने हटा दिया है और इसको लेकर के उसने एक गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ रखा था गैल्वेनोमीटर क्या होता है करंट की प्रेजेंस दिखाता है अगर करंट फ्लो कर रही है तो इसके सुई में डिफ्लेक्शन आएगा अगर करंट इधर जा रही है तो सुई में डिफ्लेक्शन इधर आएगा अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है करंट ज्यादा है अगर डिफ्लेक्शन कम है इसका मतलब करंट कम है तो उसने इस कॉयल के साथ में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ के रखा हुआ था एंड ही वॉज वर्किंग फॉर सेवरल ईयर्स कई सालों से काम कर रहा था

इसमें और कॉयल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है रिलेटिव मोशन ये कट कट का मतलब ये वैसा नहीं है कि जैसे आपने कैंची से कुछ चीज काट दी हो वैसा नहीं है मोर लाइक दिस कि आप मान लीजिए टॉर्च अगर आप ऑन कर लीजिए टॉर्च की लाइट अगर निकल लीजिए और उसमें अगर आप हाथ से यूं करें तो आप कुछ काट रहे हैं उस लाइट को आप काट रहे हैं कुछ फिजिकली कुछ नहीं काट रहे लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है टॉर्च की लाइटिंग जा रही थी उसके बीच में आप, आपने हाथ यूं करा तो उसको काटा तो अगर इसका मैग्नेट का जो फ्लक्स निकल रहा है उस फ्लक्स को अगर कॉयल काटती है या ये कहा जाए कि फ्लक्स में और कॉल में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा दिस इज द फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या है कि अगर आप इसको धीरे धीरे लेके जाए बड़े धीरे धीरे तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन बहुत कम हो रहा है बड़े धीरे धीरे काट रहा है काट तो रहा है क्योंकि बड़े धीरे धीरे काट रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा अगर इसको तेजी से लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन इसमें ज्यादा आएगा ये सेकंड लॉ तो फ्लक्स में जो फ्लक्स निकल रही है या यही कहें कि मान लीजिए टॉर्च आपने ऑन कर रखी होती है टॉर्च को की जो लाइट निकल रही है लाइट को अगर आप धीरे से काटेंगे उसका इक्वल काम अगर आप यहां कर रहे हैं मैग्नेट में और कॉइल में अगर आप वैसा काम कर रहे हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा इसका मतलब कम ईएमएफ e बना है ईएमएफ अनदर प्रॉब्लम ईएमएफ क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल भी भी पहले पहले में, के? के? तो में, में ये प्रॉब्लम होती है। और अभी तो चीजें अभी तो और चीजें तो ली नहीं है अभी वोल्टेज ड्रॉप नहीं लिया और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है हर एक के यूनिट वोल्ट है सब अलग अलग चीजें जैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है

जनरेट e हो जाएगा और अगर ज्यादा काटा जाएगा तो फ्लक्स ज्यादा e ज्यादा होगा अगर अगर फ्लक्स अगर फ्लक्स कम काटा जाएगा तो ई एम एफ की वैल्यू कम होगी और ई एम एफ मीन ई एम एफ को अगर आप सर्किट प्रोवाइड कर दीजिए पूरा सर्किट क्लोज कर दीजिए तो इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा सर्किट अगर क्लोज नहीं है तो केवल ई एम एफ बनेगाएमएफ बनेगा ई एफ ज्यादा और कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आप, अगर आपने सर्किट क्लोज कर रखा है तो इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा ई एमएफ ज्यादा होगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है इंडक्टर कांस्टेंट है अगर ईवफ ज्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगी अगर ईवफ कम है तो करंट भी कम होगी दैट इज बिकॉज ऑफ वी इज गल टू आई दैट इज बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ